मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उसका उल्टा जवाब देना। नाइट डे गुड बैड एंट्री डिसेंट्री एंट्री डिसेंट्री नॉनसेंस व्हाट सेंस गेट आउट कम इन आई से गेट आउट आई से कम इन हे भगवान हे शैतान सुबह का पहला ख्याल हो तुम रात की आखिरी याद हो तुम आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो क्योंकि मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। अच्छा तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? चार क्लास में। चार क्लास में? हाँ। तो क्या बनना चाहते हो पढ़ के? डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ। डॉक्टर क्या काम करता है? गाल में सुई देता है। चिंटू ये देख अब तुम्हें अमीर बनने का समय आ गया है तो ध्यान से सुनना। तुम्हारे गांव के तिलैया के जंगल में एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वो पेड़ के दो कदम दाहिने की ओर एक फुट धरती के अंदर खजाना छुपा हुआ है। तो जाओ और निकाल लो खजाना और अमीर बन जाओ। चेतावनी, जब तक खजाना अपने घर लेके नहीं आ जाते तब तक कोई शोर शराबा नहीं होनी चाहिए वरना खजाना गायब हो जाएगा। देख ले भाई तेरी मुंह से ये भी आवाज नहीं आनी चाहिए वरना भाई नहीं आएगी। नहीं आएगी ठीक है चल। ये खत्म साले तू तोरा पता हो भाई कल हमर मोबाइल भुला गए रहे। पता बा मिल गलो का कहाँ से मिलो साला रात भर मोबाइल के टच जला के आ मोबाइल खोजत रही साला हम कितना बुरो का नहीं रे दादा बुड़बक साला ना बताइले हम मिल लो कि ना बताओ ना कह रहे थे मिल गल हो तो कहीं हाँ बेबी हाँ मस्त। अरे बेबी ओ चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर क्यों रे क्यों रे ये भगवान क्या जुलूम है। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन का प्रधानमंत्री अगला दिन मोदी जाने। मैं तुम्हारा पापा और ये लोग तुम्हारे चाचा हैं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। बीच में ना बोल। तो गाइस मेरे बाप ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि गाइस मैंने अपने बाप को सारा जमीन बेच के आईफोन 14 ले लिया गाइस। अब डेली ब्लॉग आएगा डेली, जल्दी से फॉलो करके मुझे इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर। क्या आप दो चार कदम भागने के बाद थक जाते हो, उससे आगे भाग नहीं पाते हो? हाँ थैंक यू।
अबे साले मेरे साथ अन्याय हुआ है। नो नो नया नया दामाद ससुराल गया कि सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं। अच्छा। मुंह फुलाकर बैठा था कि सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं। जीजा धीरे से बोले हम गुटका खाए। समझ गया कैसे बोलना है, चल बोल कर दिखा। एक्शन। रजिया मैं आ गया। तब मैयत में आ गया क्या? तब मशूका है तेरी, प्यार नाल बोल, प्यार में डुबो दे उसे, उड़ेल दे सारी मोहब्बत उस पे। चल बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। मैं ट्रक के नीचे आ गया क्या? प्यार से बोल, बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। रजिया किवाड़ बंद कर ले, डाकू आ गए। तो हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, जिसका अगर आप लोग सही जवाब दे दिए तो आपको मिलेगा एक स्मार्ट वॉच। हमको चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए जी? घड़ी बांधने का शौक नहीं आपको? जब हमारा टाइम ही खराब जाता है तो घड़ी बांध के क्या करेंगे? जब तुम्हारा टाइम खराब है तो यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा ये बताइए, 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें आप किसको समर्थन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? अच्छा ये बताइए आप किसको समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं हम किसी को समर्थन नहीं करते हैं। खामा कसम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाची से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुकुम करें तो 1.5 डजन और बना लूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अरे विक्रम भाई तेरी दादी वहाँ पे झगड़ा कर रही है। कहाँ? वहाँ। चलो वो देखो। अरे दादी झगड़ा मत करो, चलो दादा घर बुला रहे हैं। You shut up, then they're coming, coming. नहीं नहीं दोस्त, हमरा सामने में भैल रहा है। एक सेकंड दोस्त, पापा के कॉल है। हाँ पापा। अरे नहीं नहीं दोस्त सब मिला आयल छी है। ए पापा तू तो खाली हमरा पर शौके करत रहे छ, आ दोस्त कनी पापा से बात कर लियो त। हाँ बाबू गोर लगे भाई साहब। इस बार 26 जनवरी का क्या प्लान है? देखिए अगले साल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बेहतर प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है? इस बार प्लान बनाया है कि बुनिया खाने के लिए झोरा लेके जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अगले बार पन्नी लेके गए थे तो कम पड़ गया था, ये लड़का झगड़ा करने लगा। अगर तुम बिना छुए गिलास को ये बिस्कुट खा लोगे ना, ये 100 रुपया दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है। पहले तो बिस्कुट दिखाई दे रहा था, अब ये रहा, अब निकाल के दिखा। निकाल दोगे तो फिर 100 रुपया दूंगा तेरे को। दो मैं तो इसके अंदर में रख के दिखा। भाई तू मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, अगर तेरे अंदर सच में ताकत है ना तो इसके अंदर से बिस्किट निकाल के दिखा। अगर इस बार निकाल दोगे तो 100 रुपया फिर दूंगा। अच्छा आ चिकनी पाओ, चिकनी पाओ, चिकनी पाओ, चिकनी पाओ। शादी हो गई आपकी? हम तो बच्चे हैं अभी। शादी के लिए बच्चे हो और गुस्सा करने के लिए बूढ़े? इसका मैसेज आता है, दोस्त लोग का रील्स भेज देता है। दोस्त की कोई और है, दोस्तानी भी तो नहीं? नहीं आज तक कहीं कुछ नहीं है सर। क्या नहीं है कुछ? मतलब हम उस सब में नहीं रहते हैं। किस में? जो आप बोल रहे थे जा रहे थे। हाँ तो आपकी आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। दोस्तानी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना वो सब दोस्तानी के होने के बाद के दिख रहे हैं। कई लोग इसलिए भी शादी नहीं कर रहे कि बीवी पीटती है।
अरे पागलो, हर रोज थोड़ी पीटती है।